how you are, hope you are well. I hope there was no problem in the previous lesson. Let's start this new exercise 1B from same unit number 1, numbers and arithmetic operation, exercise 1B, page number 6. Question number 1, fill in the blank. First part of in the blank 6920110 is dash more than 6900000. Statement dwara pad rahi hu 6920110 is dash more than. आप लोगों ने जो है इस यहाँ पे क्या ऐड करना है इस नंबर के साथ कि आपका जो आंसर है वो ये ग्रेटर वैल्यू बन जाए. अब इसके लिए हमें नहीं देखते हमें आइडिया नहीं होगा कि हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या ऐड करना है. तो इसके लिए इजीएस्ट मेथड कि आपके पास जो गिवन ग्रेटर नंबर्स वाली वैल्यू है आप उन्हें सबसे वो लें और देन जो आपके पास 6900000 है इस नंबर को आप जो है फर्स्ट नंबर से माइनस कर दें. जैसा कि मैंने रफ वर्क में आपको दिखाया कि 6920110 और सेकंड नंबर आपके पास 6900000. इन दोनों नंबर्स को जब मैंने माइनस किया तो आपके पास जो गिवन नंबर था वो था 20111. ये वो नंबर है कि जब आप इस नंबर के साथ इसको ऐड करोगे देन ऑटोमेटिक आपके पास जो है वो ग्रेटर वन 6920110 आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे लिए क्या है 20 और अपनी स्पेस का खास रखिएगा हर 3 डिजिट के बाद आपने स्पेस देनी है. सेकंड में आ जाए सम ऑफ 4952106 एंड 900000 इज. देखिएगा चले कि आपके पास दो नंबर्स हैं आपने इन दोनों नंबर्स को सम करना है जिससे आपका आंसर आ जाए. मैंने सम आपको वर्ड वर्ड वर्क में दिखा दिया है. दोनों का आंसर को मैंने जब प्लस किया आपका आंसर आता है 5852106. सेम आंसर मैंने अपनी ब्लैंक में पुट कर दिया. ब्लैंक नंबर सी 5874813 इज ग्रेटर देन 5774813 बाय. क्वेश्चन में से सुने कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर है 5874813 जो है वो ग्रेटर है किससे 577813. ग्रेटर कैसे है कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट सेम है लेकिन सेकंड डिजिट जो है ये 8 है और ये 7 है. ये तो हमें देख के अंडरस्टूड चल रहा है कि ये आपके पास ग्रेटर नंबर है. तो 5874813 इज ग्रेटर देन 5774813 लेकिन कितनी डेट ग्रेटर देन है बाय वो हमने अपने आंसर में बताना है. सेम है कि आप दोनों वैल्यू को माइनस करें रफ वर्क पर मैंने माइनस करके दिखाया जो आंसर आएगा ये वो रिमेनिंग है कि इसलिए नंबर जो है 000000 अगर आप काउंट करें यूनिट 10,000, 10,000 मिलियन यानी कि 1 मिलियन वर्ड जो है वो इसमें ऐड करें इसमें तो आपके पास टोटल ये वैल्यू बढ़ सकती है. मैंने इसका ये आंसर यहाँ पर सेम लिख दिया है अपने ब्लैंक नंबर सी में. डी में देखिए फिल द ब्लैंक 3421792 and 421792 टुगेदर. अब टुगेदर का वर्ड का मतलब होता है कंबाइन करना इकट्ठा करना. वो कहते हैं कि वन जो है नंबर्स और इन सेकंड नंबर को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो मेक क्या बनाते हैं आपके पास. इन दोनों को इकट्ठा करने का मीन है कि आप इन्हें प्लस करें जैसा कि मैंने रफ वर्क में दिखाया है कि दोनों डिजिट 3421792 को मैंने 421792 को प्लस किया तो आपके पास दोनों को टुगेदर करके ये आंसर मेरा 3843584 से वैसे मैंने अपनी ब्लैंक में पुट कर दिया. इसी तरह डिफरेंस ऑफ 5610823 and 9610072. अब पहले आपके पास टुगेदर का वर्ड था से मैं पता चला इसे हमने प्लस करना. अब बात आती है डिफरेंस की. डिफरेंस का मतलब होता है फर्क फाइंड करना. फर्क हमेशा माइनस के थ्रू फाइंड होता है. अपनी सबसे दोनों नंबरों में से बड़े नंबर डिजिट्स वाली वैल्यूज को सबसे पहले लिखें और देन आप अपने इस नंबर्स को लिखें और इन दोनों को आपस में माइनस करें जैसा कि मैंने रफ वर्क पे आपको माइनस करके दिखाया है. सेम आपके पास आंसर आ जाएगा 3999249 आपका आंसर. नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स. आपको ये स्टेटमेंट दी गई है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी फॉल्स है वो आपने अपनी ब्लैंक में पुट करना है. स्टेटमेंट 1 है आपके पास इफ 1 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इट मेक्स द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर. यहाँ पे दो चीजों का यूज हुआ है 8 डिजिट नंबर और 9
ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। अपने जब हमने एक्सरसाइज 1A स्टार्ट किया था तो हमने इनको बड़ा ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया था, इन दो चीजों को। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, अपने रफ वर्क में आए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं आपको कहती हूँ 1 ग्रेटर डिजिट, अब आपने अपने 1 ग्रेटर डिजिट में, जैसे कि आपके पास काउंटिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके पास 1 डिजिट नंबर है। इसके बाद आपके पास 10 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। आप खुद हिसाब कर सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा जो है वो 1 ग्रेटर डिजिट कौन सा है, 9। तो 1 ग्रेटर डिजिट 9। और अगर आप इन्हीं में देखेंगे जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो क्या होगा, 1। तो मैंने लिख दिया 1 स्मॉलेस्ट डिजिट। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि 2 ग्रेटर डिजिट्स, तो 2 ग्रेटर, तो इसके बाद यहाँ पे 10, 11, 12, 13 से देखें सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये 99 तक, सो ऑन 99 तक जाएंगे। 99 के बाद आती है आपकी सीरीज 100 की, यानी कि 3 डिजिट स्टार्ट होते हैं। तो 2 ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएंगे आपके पास, 99। अगर मैं यहाँ पे 2 ग्रेटेस्ट डिजिट हो जाए तो 99। और अगर मैं 3 ग्रेटर डिजिट्स बोल दूँ, क्या बोल दूँ, 3 ग्रेटर डिजिट, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे, 3 टाइम 9, 9, 9। इसी तरह 4 बोलूँ तो 4 टाइम्स 9। तो अपने क्वेश्चन की तरफ थोड़ा दोबारा आइएगा, उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन की तरफ दोबारा आइएगा। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, यानी कि इसमें 8 डिजिट नंबर है तो कितनी दफा लिखे जाएंगे, 8 टाइम 9। ये मैंने लिख दिया 8 ग्रेटर डिजिट्स नंबर। उसके बाद वो कहता है मेक द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। अब 1 स्मॉलेस्ट, अपने रफ वर्क में प्लीज आइएगा, 1 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर था 1। अगर मैं कहती हूँ 2 स्मॉलर डिजिट्स, आपको पता है कि 2 स्मॉलर डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 10। अगर मैं कहती हूँ 3 स्मॉलर डिजिट्स तो वो क्या हो जाएगा, 100। 4 स्मॉलर डिजिट्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1000। 5 होगा तो 10,000, सो ऑन। तो अब क्वेश्चन में देखें कितने स्मॉलेस्ट डिजिट्स का है, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर आने चाहिए। कैसे, अगर आप ग्रेटर 8 डिजिट नंबर में आप ऐड क्या करेंगे, 1। स्टेटमेंट है, मैं दोबारा से पढ़ूंगी आपकी इजी के लिए। इफ 1 इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, आपने 8 डिजिट नंबर में 1 को जस्ट ऐड करना है। मैंने 8 ग्रेटर डिजिट नंबर लिख दी है, इसमें हमने क्या करना है, जस्ट 1 को ऐड किया। 9 में 1 किया 10, 1 कैरी 9 ओवर, 10 1 कैरी 9 ओवर, 10 1 कैरी आल्सो 10 कैरी, ठीक है। आपने 1 ऐड किया, आपके पास कितने डिजिट बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन से हो गए, अब आपके पास ये हो जाएंगे स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। तो आपने जब 1 ऐड किया तो आपका 9 डिजिट नंबर सेम बना आपके पास, जी आपके बिल्कुल 9 डिजिट नंबर बना। दैट इज वाई ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। सेकंड की तरफ आ जाएं, सेकंड बिल्कुल आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे आपने फिल इन द ब्लैंक्स में किए, कि आपके पास क्या है 000005। अगर आपसे काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपके पास क्या होता है, 100,000, यानी कि आप 500,000 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, अगर आप इससे देखें 001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है जो है 9 आपके पास होती है 100 मिलियन, यानी कि 600 मिलियन 500,000 जो है वो इक्वल होंगे जो है वो 600,000 के। कैसे, आप अपनी जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू में से अपनी ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन अगर आपका आंसर ये आता है तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आपका ये आंसर नहीं आ रहा देन आपके पास स्टेटमेंट फॉल है। ये आप अपना खुद करेंगे वर्कबुक में, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने फिल इन द ब्लैंक में किया कि इस नंबर में से आप पास नंबर को माइनस कर दें तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो ट्रू ही आता है। तो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। थर्ड में आ जाए, 7500000 इज द सम ऑफ 500
0 0 0 एंड 2 5 0 0। अब आपके पास वो कहते हैं कि ये जो आपके पास नंबर है, ये वाला, ये आपके पास सम है। किन का सम? अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड करते हो, सम करते हो, तो क्या आपका आंसर यही बनता है? आप अपने नंबर्स से आप देख सकते हैं कि आपका आंसर ये नहीं बन रहा। आप अपने रफर पे इन दोनों को प्लस करें, अगर देखें कि आपका ये आंसर बनता है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। अगर तो आपका ये आंसर बन के यही आता है, देन ये ट्रू होती है। लेकिन अगर आप इन्हें प्लस करें तो ये स्टेटमेंट में आपका आंसर नहीं बनता, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास? फॉल्स है। डी में देखें, द डिफरेंस ऑफ 1250720 एंड 2250721 इज 1250000। सेम एज इट इज आपकी जो है वो स्टेटमेंट सी की तरह है, बस वहां पे सम था, यहाँ पे आपने क्या करना है? डिफरेंस करना है। क्या है? आप डिफरेंस देखें, क्या आपका इन दोनों को डिफरेंस करने से, ये आपके पास दो वैल्यूज हैं, डिफरेंट करने से क्या आपका सेम आंसर बनता है? अगर आपका आंसर सेम है, देन ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। तो जब मैं इन्हें प्लस किया तो आंसर फॉल्स था। आप ये अपना खुद सॉल्व करें, देन आपको आइडिया होगा कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ई में देखें, 9216477 इज द सम ऑफ 8120595 एंड दिस। सेम एज इट इज है आपके पास सी की, कि आपने ये स्टेटमेंट देखनी है, दोनों नंबर्स को ऐड करके, तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास सेम एज इट इज ये नंबर बन जाएगा। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आपके पास आंसर क्या? थैंक यू क्लास 5।